बड़ा रिस्की है। मुझे नहीं लगता बोटिंग पे आज तक 360 शॉट किसी ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा एडवेंचरस था। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल आप लोगों के? दिस इज़ डे 2 इन नैनीताल और हमने डे 3 इन नैनीताल। हम लोगों ने शादी वादी अटेंड करी, आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा। हम वापस आ चुके थे अपने हिमालय होटल में जहाँ पे हमारी बुकिंग थी। आज हम एक्सप्लोर करने वाले नैनीताल। नैनीताल में सबसे पहले बोटिंग करेंगे, पहले बोटिंग होगी, इसके बाद हमारा केव गार्डन हम कवर करेंगे। यस, प्लस आज हमें निकलना भी है वापस दिल्ली के लिए। आज तक का टाइम था तो जितना एक्सप्लोर कर पाएंगे करेंगे। पहले तो हमें बोटिंग करनी है और अभी खाली खाली है, सुबह सुबह है तो बढ़िया है, खाली खाली में बढ़िया होगी बोटिंग, बहुत अच्छी होगी यहाँ पे। अगर आप देख सकते हैं व्यू इसका। चलो आज का दिन शुरू करते हैं और सारी पैकिंग हो गई, चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से हम लोग। आज का शूट वो दिखाएंगे और आज की जो प्लेसेस जो हमने कवर करी है वो आपको ज़रूर मिलेंगी। यस यस, बहुत मज़ा आने वाला है। स्टे ट्यून्ड। अभी हमारा प्लान है नहीं कुछ ऐसा स्कूटी लेने का, आस पास ही घूम रहे हैं। तो होटल बढ़िया था, होटल बढ़िया मिला यार, कुछ भी हो जाती है लेकिन बुकिंग बढ़िया मिली। होटल कम ट्रैकिंग हो जाती है हमारा, हाँ थोड़ा सा चढ़ना पड़ता है, थोड़ी सी चढ़ाई करके। तो अभी हम लोग पहले बोटिंग करेंगे। अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया है। नाश्ता हम सोच रहे पहले करें लेकिन बाद में करें, पहले बोटिंग कर लेते हैं, खाली खाली में हो जाएगा। उसके बाद हमारा बोटिंग स्पॉट बिल्कुल पास में, ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। तो इसमें 2 लोग जाएंगे। हाँ, अगर 320 वाला करते हैं ना भैया, सामने प्राइवेट टेम्पल है, टेम्पल से भी आगे लंच लैंड हुआ ना, वहाँ से घुमा के लाते। 420 वाला करते हैं तो लेक के लास्ट से 200 मीटर पहले ना शनिदेव मंदिर है, वहाँ से घुमा के लाते। दोनों का एक ही टिकट है। ठीक है, कौन सी वाली? अरे ये बड़ा रिस्की है। जल्दी कितना होल्ड करा। हाँ जैकेट डालो भाई। हाँ भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारे? ये हमारे ब्लॉगर साहब जैकेट पहनते हुए। ओके तो हमारी राइड यहाँ पर स्टार्ट होती है। टिकट लिया है 420 का पूरा चक्कर और 300 समथिंग का आधा चक्कर। हमने तो पूरा लेना था। एंड थोड़ी सी धूप है, अगर मौसम होता है ना बादलों वाला, मैंने वीडियोस देखी उसकी, तो वो गजब होता है, एकदम मज़ा आ जाता है। लेकिन ठीक है, कोई नहीं, चला लेंगे अभी। तो अब हम आपको 360 शॉट दिखाएंगे। मुझे नहीं लगता बोटिंग पर आज तक 360 शॉट किसी ने लिया क्योंकि मैंने तो नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो कमेंट में मुझे वीडियो लिंक ज़रूर देना। आज बढ़िया सा 360 व्यू आएगा, मज़ा आने वाला है। चलो शुरू करते हैं। कैसे लगे आपके 360 शॉट? देखिए 360 शॉट्स के लिए कितनी मेहनत करवा रहा हूँ मैं बंदों से। देखिए आपके 360 शॉट्स के लिए हमें कितने एफर्ट्स करने पड़ते हैं। एटलीस्ट 1 लाइक तो बनता है। प्लीज़ आप थोड़ा डेली हाइट को प्लीज़ आप सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। यूट्यूब और इंस्टा दोनों पे हैं हमारे। ओके सो फिलहाल हम इंजॉय कर रहे हैं अपनी राइड। पानी टच करके भी देख रहे कितना ठंडा है। तो भैया ने हमें बताया स्विमिंग यहाँ पे अलाउड है, स्विमिंग कर सकते हैं लेकिन उसका अलग से पास बनाना पड़ता है। भैया आपने कितने चार्जेस होते हैं ना? चार्जेस कितने होते हैं स्विमिंग के? 100 रुपये। सही है, 100 रुपये में हम लोग यहाँ पे स्विमिंग कर सकते हैं पास बनवा के। अभी कोई कर नहीं रहा है, उसे कोई दिखा नहीं। बट इस पानी में फिश भी है, फिशेज़ हैं बहुत सारी, बड़ी बड़ी भी हैं इनफैक्ट, और उनके लिए ऑक्सीजन देने के लिए। अगर आप देख सकते हैं तो डक भी मिलेंगी आपको। हाँ अरे हाँ, वो डक्स वहाँ पर है, वो साइड में घूम रही है। और क्या कहते हैं, इसकी एवरी वीक क्लीनिंग होती है। वाली अपनी नैनी लेक है। यहाँ से हम लोग पहले मॉल रोड जाने वाले थे। मॉल रोड में अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ हैं, लेकिन क्या है कि कैफ़ेज़ में हम लोग बहुत खा चुके हैं, शादी में भी ठीक से खाया नहीं था। तो अब जो हम आए हैं इस वाली स्ट्रीट में, यहाँ पे थोड़ा सा देसी स्टाइल फूड मिलता है, जैसे पराठा, छोले भटूरे एंड ऑल। हमारा देसी डकार का बहुत दिनों से मन कर रहा था, तो एट दी एंड हम आते देसी खाने पर ही हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको कौन सी शॉप पे बैठे हैं। ओके, शॉप का कोई नाम नहीं है, बट हम लोग ये बैठे हैं। आज आप देखेंगे। और ये आ गए हमारे छोले भटूरे, मस्त गरम गरम, और आलू प्याज पराठा, दोनों ही मेरी चॉइस है। इसको मैंने सेलेक्ट ही करने दिया, बहुत दिनों बाद खा रहे हैं। तो हम लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं अपना, बिल्कुल सिंपल और रीज़नेबल प्राइस पे। मैंने जगह आपको दिखाई दी थी, बहुत ही बढ़िया था। और क्या कहते हैं, हम लोग वीकेंड पर नहीं आए हैं और कम भीड़ है। कम भीड़ में यह हाल है कि मॉल रोड पूरा जाम रहता है, यहाँ से गाड़ियाँ एंड ऑल। ये कम है, वीकेंड पे तो और पता नहीं क्या ही हाल होता हो। तो अच्छा हुआ हम वीकेंड पर नहीं आए, लंगर की लाइन में बैठे। तो रिक्शा का ये वाला सिस्टम मुझे अच्छा लगा, लाइन में लग के सब लोग रिक्शा लेते हैं, पूरी मॉल रोड को क्रॉस करवाते हैं सिर्फ 10 रुपये में पर पर्सन। तो वो मुझे बहुत सही लगता है। और यहाँ से हम लोगों ने डिसाइड किया, पहले एक केव करके कुछ जगह है, नाम एग्जैक्टली मैं अभी बताता हूँ, वहाँ जाएंगे। तो रिक्शा जहाँ छोड़ा वहाँ से 1 किलोमीटर वॉक है, तो हम वॉक कर रहे हैं अभी। तो अभी हम वहीं पहुँच रहे हैं, और वहाँ पर मैंने सुने नेचुरल केव्स हैं वो अभी तक जो बनी हुई है, तो वो पहले आपको दिखाते हैं। तो ये इको केव पार्क है, यहाँ पे 100 रुपीज़ पर हेड का टिकट है। देखते हैं अंदर कैसा है। इसके अंदर तो जाल लगा नहीं, यहाँ पर बुल राइड भी है भाई साहब। तो यहाँ पे स्पीकर लगा रखा है इन्होंने, जिसमें शेर की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है रियल आवाज़ आ रही है, लेकिन वो रियल नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि इतनी तो जूम में भी नहीं आती। तो दिस इज़ द टाइगर केव जिसमें हम जा रहे हैं। थोड़ा सा इसमें ध्यान से एक भी पत्थर खिसका ना गए। मैन दिस इज स्कैरी। और 6 फुट वाले लड़कों के लिए तो और ज्यादा मुश्किल है। दिस इज लुकिंग लाइक ग्रैंड कैनियन, सीरियसली खतरनाक है। मैं तो सोच रहा था ऐसी छोटी मोटी गेम होगी कोई सी, तो सच में खतरनाक है। Six feet वालों के लिए बहुत मुश्किल है भाई। ओके, केव गार्डन कंप्लीट। यार ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा एडवेंचरस था, इतना पतला पतला लिटरली ग्रैंड कैनियन वाला फील आ रहा था। और कैमरा से मैंने कोशिश तो करी, लेकिन बहुत मुश्किल था उसको हैंडल करना, फिर खुद चढ़ना। तो लेकिन बढ़िया था, वसूल था, मतलब 100 रुपीज़ का टिकट वसूल है। मैं सोच रहा था छोटी मोटी कैब होगी, लेकिन बढ़िया है, मस्त विजिट, मस्त ट्राई। और अंदर बिल्कुल ठंडक थी, गर्मी बिल्कुल नहीं थी, और एक टॉप व्यू था जिसका मैंने थोड़ा सा फोटो खींचा है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना उसके लिए। तो बढ़िया था। अब हम डिसाइड करते हैं पहले कहाँ जाए। ओके, तो नैनीताल की ये वाली मस्जिद है, यहाँ पे मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारा, तीनों चीज़ तो देख ली मैंने। ओके, तो ये वाली मेन रोड है, और यहाँ पे एक पास में एक है मुगलई रेस्टोरेंट, जहाँ पे हम लोग नॉनवेज आज खाने वाले हैं। ओके, तो हमने 2 स्टाइल की बिरयानी मंगाई, ये थोड़ी सी प्लेन है, ये थोड़ा सा मसाले वाली है, दोनों तरह की हमें ट्राई करनी थी। और अभी हमने कौरमा भी मंगाया है। अभी पहले ये स्टार्ट करते हैं, फिर वो स्टार्ट करेंगे। तू भी प्लेन वाली खा रहा है? I'm gonna try this now। जल्दी कहें कि हम कब डालेंगे, नहीं तो अभी दे दी के हम लेके जा रहे हैं। सिंपल प्लेन टेस्ट, ना ज़्यादा स्पाइसी ना कुछ, बढ़िया टेस्ट, मज़ा आ गया। द मुगलाई रेस्टोरेंट, क्या खाना था, ज़बरदस्त। बिरयानी तो भाई औसम, मतलब प्लेन सिंपल मसाले वाली, और मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि फीकी फीकी है, चटपटी थी बिरयानी की। हर एक राइस का टुकड़ा वर्थ है, इतनी अमेजिंग और इतनी प्लेन, मतलब हर जगह जैसी बिरयानी होती है वैसी स्पाइसी बिरयानी, एक अलग ही कॉम्बिनेशन था, एक सिंपलिसिटी का एक अलग ही आपको यहाँ पे राइट डिश देखने को मिलती है। कोरमा भी अच्छा था, कम मसाले का, फीका फीका सा था, तो स्पाइसी जिसको पसंद है उसको नहीं पसंद आएगा शायद ज़्यादा, लेकिन वैसे सही था। और ये लोग शायद रोटी और आटे में भी नमक डालते हैं, तो नमक थोड़ा सा तेज़ हो गया था खाते हुए, बट लेकिन बुरा नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था। तो हमने प्लेन तवा रोटी खाई, जैसे खाना है हमने खाना शुरू कर दिया, मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो ये पतली सी गली है, मेन रोड के पास ही है, जो यहाँ पर मस्जिद है ना, नैनीताल की मस्जिद, उसके पास ही है मुगलई रेस्टोरेंट। तो मैं रिकमेंड करूँगा नॉनवेज के लिए तो यहाँ आओ, और इनकी 2 ब्रांच है शायद, मॉल रोड पर भी है एक, तो रिकमेंडेड फॉर नॉन वेज। बढ़िया टेस्टी फूड खाने के बाद हम लोग आए हैं ठंडी सड़क पर। ये वैसे मैंने देखी थी, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया था, मैंने कहा मॉल रोड से घूमते हैं, यहाँ से कहाँ जाएंगे, खाली खाली सड़क होगी, लेकिन लिटरली ये ठंडी सड़क है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और लेक के साइड है एकदम, लेक साइड वॉक करके चलते रहो, शांति है, भीड़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इतना ट्रैफिक है, वीकेंड नॉन वीकेंड पर इतना ट्रैफिक है, तो वीकेंड पर तो क्या हाल होता होगा। बट ठंडी ठंडी सड़क है, मज़ा आ रहा है, धीरे धीरे वॉक कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त को बिरयानी इतनी पसंद आई कि वो अभी तक तारीफ़ ही कर रहा है, लेकिन ठंडी रोड पे हमें घूम के मज़ा आ रहा है। यहाँ की ना अलग वाइब है, मतलब मॉल रोड पे भीड़ भाड़ मतलब हो गया यार, ठीक है ठीक है, कुछ डिफरेंट चाहिए, तो रोड हमेशा बेटर है। अगर आप देखेंगे काइंड ऑफ बीट प्लेस होगी, इसकी रील बनाऊंगा मैं इंस्टाग्राम पे, ऑफ बीट प्लेस इन नैनीताल। तो ठंडी वाली रोड पे हमें चलते चलते एक यूनिक व्यू पॉइंट मिला, मतलब मैंने लिटरली आज तक नहीं सुना था इसके बारे में, ना कभी फ़ोटोज़ देखे किसी के, तो बहुत ही यूनिक और क्लीन, और क्या कहते हैं मतलब जिसका क्लीन व्यू मिल रहा है, प्लस खाली है। आई गिव यू द यूनिक अनएक्सप्लोर्ड प्लेस ऑफ नैनीताल। हा। सो यहाँ से एकदम शांति, आराम से शांति से बैठो, एंड मतलब वहाँ पर भी जो व्यू पॉइंट्स है ना वो इतने अच्छे नहीं है, शांति नहीं है, प्लस ऐसा माहौल नहीं है, मतलब ठंडी ठंडी हवा नहीं है वहाँ पे, तो मुझे ये वाला पॉइंट बहुत सही लगा, मतलब बिल्कुल नियर बाय लेक, एंड यहाँ पे मतलब कोई भी नहीं है लिटरली, तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ की, मुझे तो बहुत सही लगा ये वाला, तो इसकी भी मैं रील बनाने वाला हूँ इंस्टाग्राम पे। हाँ। तो हमने बस यहाँ थोड़ी देर बैठ के व्यू एंजॉय किया, बहुत ही सही पीसफुल कोने में एकदम अच्छा व्यू पॉइंट है, तो यहाँ पे एंजॉय किया। अब हम सीधा निकलेंगे, काठगोदाम के लिए बस करेंगे, काठगोदाम से हमारी ट्रेन है, और होटल से सामान लेके हम सीधा काठगोदाम निकल जाएंगे। तो आई थिंक ब्लॉग को हम लोग यहीं एंड करते हैं। कैसा लगा आपको शॉर्ट सिंपल व्लॉग? हम लोग टिफ़िन टॉप जाने का सोच रहे थे, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग था वो, प्लस ट्रैक करने की हिम्मत नहीं थी गर्मी में, तो इसलिए हम लोग नहीं गए। अच्छा हुआ हम नहीं गए, हमने ये वाला यूनिक चीज़ एंजॉय कर ली, और बहुत जल्दी हम आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में। कहीं ना कहीं तो मेरा प्लान हो ही जाएगा। वो क्या डायलॉग था, वो 6 महीने वाला डायलॉग क्या चल रहा है आजकल, मुश्किल से मुश्किल 6 महीने, उसके बाद फिर हवा भाई है भाई। तो थैंक यू सो मच, हम इस ब्लॉग को यहाँ पे क्लोज करते हैं। सस्ते विराट कोहली की तरफ से भी हम बाय बोल दीजिए। अरे इनको यहाँ पे कॉर्नर में ले आए, क्या करवाना चाह रहे हैं ये लोग, हमें तो नहीं लेके आए थे बोट में। भाई सब कुछ तो स्क्रिप्टेड है, सब कुछ भाई करना पड़ता है, क्या करें, व्लॉग्स भी स्क्रिप्ट करने पड़ रहे हैं, क्या जिंदगी आ गई है। हमारे देश में आईपीएल स्क्रिप्टेड है, रियलिटी शो स्क्रिप्टेड है, काय के रियलिटी वो, तो मैं थोड़े से व्लॉग स्क्रिप्ट नहीं कर सकता।